नशेड़ी इमरान और उड़ता पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान की तकदीर बदलने का दावा करने वाले और इस्लाम की दुहाई देने वाले मियां इमरान चरसी हैं, कोकीन के शौकीन हैं। और ऐसा हम नहीं बोल रहे, ये खुद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने दावा किया है। ये सनसनीखेज खुलासा करने वाले हैं सरफराज नवाज, जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं और लंदन में रहते हैं। पूर्व क्रिकेटर सरफराज का दावा है कि इमरान खान 80 के दशक से ही ड्रग्स ले रहे हैं। सरफराज क्रिकेट में उनके सीनियर रहे हैं। सरफराज के मुताबिक लंदन और इस्लामाबाद के उनके घर में इमरान ने दर्जनों बार नशा किया है और इसके कई सारे गवाह आज भी मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि कैसे 10 रुपए के नोट का गोला बनाकर इमरान कोकीन का पाउडर नाक से खींचा करते थे। सरफराज ने चुनौती देते हुए कहा कि इमरान अगर उन्हें झूठा साबित करना चाहते हैं तो वो उन पर मुकदमा ठोक कर देख सकते हैं। एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में सरफराज नवाज ने ये दावा किया है। देखें, अब मुझे नहीं पता कि ये चरस तो पीता रहा है और मेरे सामने चरस पीता रहा है, लंदन में भी और मेरे घर में आके पी है। जब ये 87 में पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ मैच था और ये बॉलिंग नहीं करा सका तो शाम को आए थे ये। उसके बाद तो ये इसने बंग का ऐलान कर दिया। बंग भी तो सुखा के चरसी बन जाएगी, सूंघने वाली चीज करता है। और वो क्या कोकीन, वो लंदन में भी ये करता रहा है कि वो जो 10 या 20 रुपए का नोट उसको रोल करके नाक में ऐसे डाल के और नीचे कोई सफेद सी चीज होती थी उसको ये स्निफ कोकीन करता रहा। वो तो हमारे सामने करता रहा, इसको मेरे सामने ले आए, ये मुखर के दिखाए। और मैं अकेला गोवा नहीं, किम कुमार है यहाँ लंदन में और हाइड पार्क स्क्वायर में वो रहता है, वो बेचारा वहाँ पे ये करता रहा है। इमरान खान को लेकर ये सनसनीखेज खुलासा उस वक्त हुआ है जब पाकिस्तान में उन्हें गद्दी से हटाने के लिए 11 पार्टियों ने तगड़ा अभियान छेड़ रखा है। कंगाले की गर्त में जा रहे पाकिस्तान में जनता के गुस्से से बचने के लिए वजीर आजम इमरान खान इस्लाम को आड़ की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। खुद को इबादती बंदे के तौर पर लगातार पेश करते रहते हैं। 2018 से सरकार संभाल रहे इमरान ने शुरुआती दौर में पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर मुस्लिम देशों में अपनी कट्टरपंथी छवि को चमकाने की भरपूर कोशिश की ताकि खुद को मुस्लिम देशों के झंडा बरदार की तरह पेश कर सके। हाथ में इबादत की माला भी दिखी और आध्यात्मिक पत्नी का चेहरा भी। लेकिन ये सारी कवायद सरफराज नवाज के खुलासे से एक झटके में झूठी साबित हो चुकी है, क्योंकि सरफराज नवाज ताल ठोक कर जो कह रहे हैं वही बात जुलाई 2018 में इमरान से अलग हो गई उनकी बीवी रेहम खान ने भी कही थी। रेहम और इमरान की शादी सिर्फ 10 महीने चली थी। रेहम इमरान से अलग हुई तो नशे की लत से लेकर इमरान के अवैध संबंधों और उनसे हुए बच्चों की तफसील वो जुटा चुकी थी और फिर एक एक का उन्होंने उनका खुलासा किया। साल भर पहले इमरान ने जब कश्मीर का नक्शा बदलने की बात कही थी तब एक पाकिस्तानी नौजवान ने उन्हें याद दिलाया था कि कहीं वो नशे के झोंक में तो ये दावा नहीं कर रहे। उसने टिकटॉक पर वीडियो बनाकर इमरान को सलाह दी थी कि वो नशे के झोंके में नक्शे की बात न करे, इसकी जगह नशा बदल कर देखे। खान साहब, ये नक्शा बदलना कश्मीर ना लभ्या, एक करी नशा बदल के ट्राई करियो। इस वीडियो से इमरान सरकार बुरी तरह तिलमिला उठी थी। मौलाना फजलुर रहमान की रैली के दौरान जब वो नौजवान दिखाई दिया तो पाकिस्तानी पुलिस ने उसे उठा लिया और फिर सलाखों में डालकर उसकी तगड़ी ठुकाई की थी। पाकिस्तान के नौजवानों की जुबा तो इस तरह बंद की जा सकती है, लेकिन लंदन में रहने वाले सरफराज नवाज का क्या बिगाड़ लेंगे मियां इमरान। सत्ता में आने के बाद से ही इमरान दुनिया भर की मुस्लिम जमात में अपना कद बढ़ाने की जुगत में लगे हुए हैं। सरफराज के खुलासे से उनकी इसी दिली ख्वाहिश को बड़ी चोट पहुंचती दिख रही है। पाकिस्तान फौज की कठपुतली की छवि तो इमरान की पहले से ही थी, अब झूठ के पुतले वाला चेहरा भी खुलकर सामने आ गया है। और अब इमरान खान को अगर चरसी के नाम से पुकारा जाए तो गलत नहीं होगा। तो आप क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।